तो दोस्तों, नॉर्मली मैं साड़ी या स्टीम आयरन नहीं करता हूँ, बट इस साड़ी के ऊपर ये डायमंड है लगे हुए और कपड़ा भी बहुत ज्यादा पतला है। देख लीजिए, बहुत ज्यादा पतला कपड़ा है, तो इसको कैसे स्टीम प्रेस किया जाए। तो मैंने अभी तक ये थोड़ा सा पोर्शन कर दिया है, इतना इतना तक मैंने कर दिया है दोस्तों। तो अभी देख लीजिए किस तरह से इसको आयरन किया जाए, और ये दोनों हाथ हमें काम में लेने हैं अगर हमें स्टीम आयरन करना है जल्दी से। और सभी साड़ियां हमारे पास मशीन पे होती है, बट ये आयरन, ये साड़ी मशीन के ऊपर नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर ये डायमंड लगे हुए हैं, लेकिन स्टीम आयरन में टेफ्लॉन शू लगा है तो दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथ हमें एक्टिव रखने हैं, तब जाके साड़ी प्रेस होगी। क्योंकि ये कपड़ा है ना, ये शिफॉन का कपड़ा है, काफी पतला कपड़ा है और जल्दी से ये सीधा होता नहीं है। तो अगर साड़ी सीधी रहेगी, अगर इन हाथों से हम साड़ी सीधी करेंगे तो पीछे पीछे आयरन भी उसको सीधे कर लेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साड़ी कुछ इस तरह से है दोस्तों, विदाउट आयरन के भी आप साड़ी देख लीजिए किस तरह से है ये। ओके, ये इस तरह से पूरी साड़ी श्रिंक है और इसको हम इसको पूरा प्लेन कर रहे हैं दोस्तों। आयरन करने के बाद में इसको पूरा हम प्लेन कर रहे हैं। अभी इसको करेंगे फोल्ड। इसको नॉर्मल फोल्ड करना है।
पानी मारो तो काल मार टीम मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।